प्लांट के रूसी पर्यवेक्षकों के टेलीग्राम चैनल ने कहा, एपीयू यूक्रेनी सशस्त्र बल ड्रोन को जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र के बिल्डिंग जी की छत पर निष्क्रिय कर दिया गया, जहां दुनिया का एकमात्र पूर्ण पैमाने पर रिएक्टर हॉल सिम्युलेटर स्थित है। हमले के परिणाम स्वरूप कोई हताहत या क्षति नहीं हुई। सीएनबीसी दावे को सत्यापित करने में असमर्थ था और यूक्रेन ने कथित घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जो 9 अप्रैल को इसी तरह के हमले के बाद हुई थी। ZNPP रूस और यूक्रेन के बीच बार बार आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में रहा है। दोनों एक दूसरे पर सुविधा को खतरे में डालने और परमाणु दुर्घटना का जोखिम उठाने का आरोप लगा रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने गुरुवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षक संयंत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिस पर मार्च 2022 से रूसी सेना का कब्जा है और एजेंसी के प्रमुख मई में फिर से सुविधा का दौरा कर सकते हैं। क्रेमलिन का कहना है कि अमेरिकी सहायता यूक्रेन के लिए अनुकूल से बहुत दूर अग्रिम पंक्ति की स्थिति को नहीं बदलेगी। क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए अधिक अमेरिकी सहायता से यूक्रेन के लिए कठिन युद्ध क्षेत्र की स्थिति नहीं बदलेगी। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भले ही $61 अरब के अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज को कांग्रेस द्वारा मंजूरी दे दी गई हो, फिर भी यूक्रेन बैकफुट पर रहेगा। यह किसी भी तरह से मोर्चों पर स्थिति के विकास के परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार सभी विशेषज्ञ और यहां तक कि अर्धविशेषज्ञ भी अब सामने की स्थिति को नग्न आंखों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो यूक्रेनी पक्ष के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। यूक्रेनी अधिकारी खुद चेतावनी देते रहे हैं कि मोर्चे पर खासकर पूर्वी यूक्रेन में स्थितियां कठिन हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने गुरुवार को कहा कि उनकी सेना को वायु रक्षा, तोपखाने और गोला बारूद के आधुनिक साधनों के साथ साथ भारी बख्तरबंद वाहनों की तत्काल आवश्यकता है। यूक्रेनी कमांडर ने पहले ही चेतावनी दी है कि पूर्वी यूक्रेन में युद्ध के मैदान की स्थिति काफी खराब हो गई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें अधिक सहायता नहीं दी गई तो देश युद्ध हार सकता है। रूस ने यूक्रेन पर चिकित्सा सुविधाओं पर गोलाबारी करने और चिकित्सा कर्मचारियों की हत्या का आरोप लगाया है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेनी बलों पर पश्चिमी हथियारों से यूक्रेन के रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं पर बार बार गोलाबारी करने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हमलों पर आंखें मूंद ली हैं। यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के आरोपों से इनकार करते हैं। WHO की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। यह आरोप रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने लगाया था, जिन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि यूक्रेनी बलों ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं और डॉक्टरों को बार बार निशाना बनाया है, जिन पर मॉस्को का कहना है कि उसने कब्जा कर लिया है। ज़खारोवा ने हाल के महीनों में हमलों की तारीखों और स्थानों को सूचीबद्ध किया और कहा कि वही जानकारी WHO को प्रदान की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेटा के साथ कुछ नहीं किया गया है। ज़खारोवा ने कहा, असली डॉक्टर पश्चिम द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों से कीव की गोलाबारी से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम और पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन द्वारा किए गए किसी भी अपराध को नजरअंदाज कर दिया था और केवल रूस की आलोचना करना चाहते थे। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि बुधवार को उत्तरी शहर चेरनिहाइव पर एक मिसाइल हमले में 18 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। राज्य आपातकालीन सेवा ने गुरुवार को टेलीग्राम पर कहा कि हमले में 4 बच्चों सहित 77 लोग घायल हो गए और उनमें से 40 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने शहर पर 3 मिसाइलों से हमला किया। 20 से अधिक अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले ने देश की अधिक हवाई सुरक्षा की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने सहयोगियों से पूछा कि वे पिछले शनिवार को ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के लिए क्यों तैयार थे, लेकिन यूक्रेन को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे।
जर्मनी ने रूस की ओर से कथित सैन्य तोड़फोड़ की साजिश के लिए दो को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन को कमजोर करने के प्रयास में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं सहित तोड़फोड़ हमलों की साजिश रचने के संदेह में जर्मनी में दो जर्मन रूसी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने विदेशी गुप्त सेवा के लिए काम करने के आरोपी दो संदिग्धों के घरों और कार्यस्थलों की तलाशी ली है। अभियोजकों ने कहा कि उनमें से एक, जिसकी पहचान डाइटर एस के रूप में हुई है, ने अक्टूबर 2023 से रूसी गुप्त सेवा से जुड़े एक व्यक्ति के साथ संभावित साजिशों पर चर्चा की थी। अधिकारियों ने कहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से जर्मनी कीव के सैन्य सहायता के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है और रूसी जासूसी अभियानों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है।